देख रहे हैं दोस्तों, आज देसी शेफ लिटिल किचन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ताकतवर और सर्दियों के अंदर में खाई जाने वाली ये अपनी बाजरे की खिचड़ी। बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही स्वाद और बहुत ही सेहत से भरपूर। और इसके ऊपर में अपना गर्मा गर्म तड़का हो तो क्या ही बात है ना, शानदार तड़का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये धनिया। तो आज इसी गुणों की खान ये मैं अपनी बाजरे की खिचड़ी की सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया और इसको बनाते टाइम मैंने कितनी टाइमिंग और क्या सावधानियाँ और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करी हैं, वही सब आपके साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी ये बाजरे की खिचड़ी। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश, देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान और बहुत ही तंदुरुस्त और फ़ायदे की चीज़, वो है हमारी मोटे अनाज से बनने वाली बाजरे की खिचड़ी। जब से लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में पता लगा है कि ये हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और सस्ते भी हैं, तो तब से बाज़ार के अंदर में भी जैसे कि मार्केटिंग सेक्शन ने इसको और सरल बनाने के लिए उन्होंने भी झटपट अपनी कमर कस ली। अब देखिए, वैसे तो बाज़ार के अंदर से पहले हम बाजरा साबुत लेके आते थे, उसको धो के अच्छी तरीके से साफ़ करके सुखा के और फिर उसको पीस के, थोड़ा सा दर्रा पीस के कूट के हम उसको रखते थे ताकि हम उसकी खिचड़ी, दलिया या हम उसकी अम्बली बना सकें। ये देखिए कितना आसान हो गया ना। तो पहले जो काम करने में घंटों लगते थे, अब वो कुछ ही मिनटों का रह गया, आधे घंटे का रह गया, जहाँ समझ लीजिए पौने घंटे का रह गया। तो मैं भी बाज़ार से ये अब कुटा हुआ बाजरा लेके आया हूँ। इसको मैं अच्छे से धो के धोना इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी इसके अंदर में डस्ट हो सकती है या बाजरे का छिलका हो सकता है। तो इसको अच्छे से धो के दो तीन बार वॉश करके इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दूंगा, अदरवाइज़ इसको ओवरनाइट भिगोना पड़ता था। और दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं इनकी गुणवत्ता यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना शुरू करूँगा तो एक पूरा वीडियो सेपरेट बनाना पड़ जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि ये जो हम मोटे अनाज को अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो अपने शरीर के रोगों को हम भगा देते हैं, खासकर जिनको डायबिटीज़ है या जिनको कॉन्स्टिपेशन है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो अपने जीवन में मोटे अनाज को अपनाएं। तो बस अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इसको झटपट धो लेता हूँ दोस्तों। अब इसको हम खुले पानी से इसको अच्छे से एक बार पहले थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। और ये देखिए जो भी इसके ऊपर में छिलका या कोई डस्ट होगी ये इसके ऊपर आ जाएगी। तो इसको अच्छे से 2 से 3 बार हम इसको अच्छे से धोएंगे और धोने के बाद में जब तक इसके ऊपर में साफ़ पानी ना आ जाए तब तक ही हम इसको धोने का प्रोसेस करेंगे। तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट वॉश। और ये देखिए इसके ऊपर में ये जितनी भी इम्प्योरिटी आई है इसको हम ड्रेन आउट कर देंगे। ये देखिए इसको मैंने रनिंग वाटर के नीचे ही रख लिया और इसको मैं अच्छे से इसी के अंदर में धीरे धीरे निथरने दूंगा और इसी तरीके से इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट होने दूंगा। और फिक्र मत कीजिए, जो एक्स्ट्रा ड्रेन आउट वानी है इसको मैं नीचे कलेक्ट करके इसको मैं पौधों में डाल दूंगा। तो लीजिए ये मेरा बाजरा अच्छे से धुल गया और अब देखिए इसके ऊपर पानी भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। तो अब इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देता हूँ और जब तक ये भीग रहा है मैं बाकी तैयारी कर लेता हूँ। इसी के साथ में मैं इसके अंदर में एक थोड़ी सी मूंग की दाल धुली हुई ये भी डाल दूंगा। बहुत ही फ़ायदेमंद, इजी टू डाइजेस्ट होती है। और तो इसको भी मैं धो के अलग से रख दूंगा और जब मैं अपनी खिचड़ी बनाऊंगा तब इसको उसके साथ में मिक्स कर लूँगा। तो मैं, आप चाहें तो बाजरे की खालिस खिचड़ी भी बना सकते हैं, दलिया भी बना सकते हैं। और मैं आज इसके साथ में थोड़ी सी ये आधा कटोरी के लगभग अपनी धुली मूंग की दाल भी इसमें डाल रहा हूँ। तो जब तक बाजरा भीग रहा है
तब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो वैसे तो आप चाहें तो सिर्फ अदरक हरी मिर्च से ही इसका तड़का लगा सकते हैं हींग जीरे के साथ में, पर मैं इसमें हरी मिर्च, लहसुन और प्याज भी डाल रहा हूँ। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए झटपट इसको काट लेते हैं। तो झटपट कट गया, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, क्योंकि एक प्याज है, तीन चार हरी मिर्ची हैं, तीन से चार कलियाँ लहसुन है, आधा इंची के लगभग अदरक है और एक टमाटर, तो इनको मैंने चॉप कर लिया। और दोस्तों सर्दियों में बाजरा खाना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में बहुत गर्म होता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि लोग पक्षियों को गर्मियों में जब अनाज डालते हैं, तो उसमें मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बाजरा मत डालिए। अगर बाजरा डाल रहे हैं तो साथ में पानी का बर्तन जरूर रखिए, क्योंकि ऐसा करने से जब उसकी तासीर गर्म लगेगी पक्षी को, तो पक्षी जो है उसके साथ में पानी पिएगा तो बैलेंस कर लेगा, अदरवाइज़ उसको वो नुकसान कर सकता है। तो इसके साथ में भी जब हम इसको पकाएंगे तो हमारे को पानी भी पीना है। क्यों? क्योंकि हमें इस पेट में जाके जब ये फूलेगा, इसकी तासीर को थोड़ा सा बैलेंस भी करना है। और आप सर्दी सर्दी खाइए, बहुत फ़ायदा करेगी। तो बस शुरू करते हैं अपनी बाजरे की खिचड़ी। और दोस्तों आज ये बाजरे की खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ सरसों के तेल में। ये मेरा गया लगभग 2 टेबलस्पून के लगभग सरसों का। सरसों के तेल का धुआं निकालना तो है ही है, साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूंगा, ताकि सरसों के तेल की जो धांस है उसकी महक वो भी ना आए। ये देखिए, ये थी एक छोटी सी टिप। जब भी आप सरसों के तेल से किसी चीज़ को छोंकें तो उसके साथ में थोड़ा सा नमक डाल दें, ताकि सरसों के तेल की जो महक है, जो धांस है, वो आपको हिट ना करे। दोस्तों आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं, मूंगफली के तेल में भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए, ये मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसका धुआं भी निकल गया। तो मैं गैस कर दूंगा हल्की और इसमें झटपट डाल दूंगा अपना ये जीरा, साथ ही जाएगी मेरी आधा चम्मच के लगभग हींग। झटपट ही डाल देंगे अपने ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, और ताकि हम इस गरम तेल के होने का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों इसको हमने बहुत नहीं भूनना है, मतलब ये नहीं कि हमें इसको बहुत ज़्यादा लाल करना है, बस थोड़ा सा सुनहरा। ये देखिए, और अब स्टेज पे आके मैं डाल दूंगा इसमें ये हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, और लाल मिर्च भी 1/4 चम्मच, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें 4 से 5 डाली हुई, और इनको भी मैं मिला लूँगा। इस स्टेज पे आके मैं डाल दूंगा अपने टमाटर। दोस्तों आप इसमें करी पत्ता, मटर या जो भी सब्जियां डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, पर मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सादे पे ही रख रहा हूँ। आप जैसा कि हम नॉर्मल मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, हम इसको वैसे भी बना सकते हैं, पर क्या है ना कि हम लोगों के स्वाद, ये स्वाद ही हमें मार जाते हैं। एक अच्छी खासी चीज़ को भी हम और ज़्यादा स्वाद बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए, और जैसे ही टमाटर ढल जाते हैं मैं अगला काम शुरू करता हूँ। तो लीजिए मेरा मसाला तैयार हो गया, अब मैं इसमें अपना सारा बाजरा और उसके साथ जो मैंने दाल भिगोई थी मूंग की, वो भी मैं इसमें डाल दूंगा। ये देखिए, ये मेरे बाजरे को भिगोए कम भी 2 घंटे हो गए थे, वैसे जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना ही अच्छा बनेगा। तो बस अब इसको हम झटपट मिला देंगे और इसको हल्का सा उबाला आने देंगे, अभी और पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए कितना सुंदर, कितना शानदार रूप रंग आया इनका, ये देखिए। और बस अब इसमें मैंने भिगोया था इसमें 1 कटोरी, तो मैं इसे 5 गुना पानी डाल दूंगा और इसको कम से कम से 10 से 12 सीटी लगवाऊंगा, और उसके बाद में भी इसको प्रेशर को ठंडा होने के बाद चेक करूंगा कि ये पक गए हैं कि नहीं। अगर नहीं पकी होगी तो थोड़ा सा पानी और डाल के फिर इसको कुछ 2 या 3 सीटी और लगवा दूंगा। तो बस इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, परंतु इस पेशेंस का, इस सब्र का जो फल है ना, वो सोने के जायके और सेहत से भरपूर है। तो लीजिए ये इसमें मेरा बॉयल आ गया,
तो इसमें मैं पानी थोड़ा सा और डाल दूंगा क्योंकि इसको अभी पकने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये देखिए, तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 5 गुना के लगभग पानी डाल दिया और अब इसको इसी के अंदर में एक बार अच्छे से उबलने दूंगा और फिर इसको मैं ढक्कन लगा के इसको प्रेशर कुकर पे इसको 10 से 12 सीटियाँ आराम से दूंगा। ये उबाल आ गया, अब इस स्टेज पे आके मैं इस पर इसका ढक्कन लगा दूंगा। दोस्तों ये मैं ऐसे इसलिए करता हूँ कि अगर ये जब इसका कुकर का प्रेशर आए, प्रेशर आने के बाद में कभी कभी यहाँ से ये बैकफायर करता है सारा सामान, तो ये उसके अंदर में इसकी प्रिवेंशन हो जाती है। तो कभी भी धुली हुई दाल आप बनाएं तो जब तक उसको उबाल ना आ जाए तब तक आप उसको प्रेशर कुकर का ढक्कन ना लगाएं। ये था मेरा एक छोटा सा सजेशन। तो लीजिए दोस्तों, मेरे कुकर को ऑलमोस्ट 10 विसल्स आ चुकी हैं। अब मैं इसको इसी की हीट में ठंडा होने दूंगा और जैसे ही ठंडा होता है मैं आपके साथ में इसको चेक करते हुए शेयर भी करता हूँ। लीजिए दोस्तों, ये मेरे कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया और अब हम एक बार खिचड़ी को चेक कर लेते हैं अपनी। दोस्तों इसकी खिचड़ी को चेक करने के लिए ये ध्यान रखना है, हमने इसको जब मिलाना है तो हमने नीचे से इसको चलाते हुए मिलाना है क्योंकि ये जो खिचड़ी जो है ना नीचे बैठने की प्रवृत्ति रखती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे हमने इसको अच्छे से मिला लेना है और इसको इसी तरह मिलाते हुए हमने इसको नीचे से अगर थोड़ी बहुत अगर लग भी रही है तो हमने इसको छुड़ा लेना है। ये देखिए अब एकदम स्मूथ हो गई है चलाते चलाते और अभी ठंडा होते होते अभी ये और भी गाढ़ी पड़ेगी। ये देखिए, और अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसको आप अब बिना प्रेशर के भी इसको धीरे धीरे गर्म कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही पौष्टिक और प्रचुर मात्रा में इसके अंदर में जो इसके गुण हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ासकर अगर आप डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ से परेशान हैं तो आप अपने जीवन में मोटे अनाज को अपनाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में काम करते हैं ये अनाज, हमारे को मल्टीविटामिन, फाइबर, क्या नहीं इनसे हमको प्राप्त होता है। ये देखिए, और अब इसको मैं शुरू भी मैंने तड़के से किया था, ख़त्म भी मैं तड़के से ही करूँगा। अब मैं इसको अपना एक घर का मलाई का बनाया हुआ देसी घी लेके अब इसका मैं तड़का बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, और जैसे ये गर्म होता है इसको हम अपने तड़के के साथ तैयार करते हैं और मैं तड़के में क्या क्या डाल रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर भी करता जाऊँगा और कोई स्किप करने वाली बात होगी तो वो भी बताता जाऊँगा। ये आ गया मेरा जीरा, और जैसे ये जीरा तड़कना शुरू होगा इसमें मैं इसमें डाल दूँगा ये साबुत लाल मिर्च और करी पत्ता, और इसी के साथ डाल दूँगा 3 से 4 काली मिर्च। साथ में गई मेरी हींग, और ये मेरा तड़का तड़कने के लिए तैयार, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ी सी ये सरसों। दोस्तों बस मैं इस तरीके से ये तड़का तैयार करके रख लूँगा और जब जैसे जैसे हम अपने लिए खिचड़ी परोसेंगे उसके ऊपर में हम इसको अपने स्वाद अनुसार डालते चले जाएंगे। ये देखिए, तो लीजिए दोस्तों ये मेरी बाजरे की खिचड़ी भी तैयार। ये देखिए अभी कितनी गाढ़ी हो जाएगी ना, और ठंडा होते होते तक और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब इसको हम झटपट खाने के लिए सर्व करते हैं। ये देखिए, जितनी मर्जी खाइए, इजी टू डाइजेस्ट और बहुत ही फ़ायदेमंद, गर्म होती है प्रॉपर्टी में जैसे कि मैंने बताया, तो सर्दियों में इसको खाना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जितना मर्जी खाइए, बिल्कुल भी बदहजमी का कोई चांस ही नहीं है। ये देखिए, और जैसे मैंने बताया अपनी मर्जी मुताबिक अपना इसके ऊपर में आप तड़का डालिए और जितना चाहिए उतना आप अपना
तड़का मिलाइए और इसके साथ में उसका आनंद उठाइए। और ये गया मेरा थोड़ा सा धनिया, जो कि हम सब्जी वाले से फ्री में मांगने से भूलते नहीं हैं। तो इधर मेरी खिचड़ी तड़के के साथ तैयार, और साथ में मैं सर्व कर रहा हूँ इसके साथ में अपना अदरक मिर्ची नारंगी का अचार, बहुत सारा ग्रीन सलाद और अपना गाजर मूली गोभी और शलगम का अचार, जिनकी रेसिपीज मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप नई ट्रिक नई रेसिपी के साथ में। बस जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तब तक ऐसे ही बनाते रहिए, खाते रहिए, पचाते रहिए, पैसे भी बचाते रहिए और खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।